एक अहम खबर के ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद का फैसला। फैसला किंगरी हाउस में ग्रैंड अलायंस रहनुमाओं के इजलास में किया गया। पीपी मुखालिफ इत्तेहाद के सरबरा हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहिब पगारा होंगे और इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को पीर पगारा की क्यादत पर एतमाद भी है। और अभी आप देख सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाज तैयार। जियालो के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इत्तेहाद, सरबरा पीर साहिब पगारा होंगे। डॉक्टर इमरान, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज तैयार। जियालो के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इत्तेहाद, सरबरा पीर साहिब पगारा होंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज तैयार है। जियालो के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इत्तेहाद, पीर साहिब पगारा, सरबरा मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, हालात खराब हैं। रेंजर्स को सिंध भर में इख्तियारात दिए जाएं, पीर पगारा का ये कहना है। सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, ऐसा कहना है गौस अली शाह का। जबकि सिंध के अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिए गए हैं, तर जुल्फिकार मिर्जा का ये कहना है। इन लोगों ने मजीद क्या कहा, इन रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक कपड़ा जिस्म पे था या कोई हल्की फुल्की कच्ची छत थी, वो भी फूलन देवी ने और उसकी भाई जो चोर दुबई में छुप गया है, जिसको पता नहीं किस किस्म की बीमारी है, उम्रे पे के बहाने से सऊदी अरब पहुंच गया कि मियां नवाज शरीफ को समझाओ कुछ रहम करे, भीख मांगने पहुंच गया, केस पे यहां नहीं आता कि जो फंक्शन था, बर्सरी थी, उस पे नहीं आया। और एक और अहम खबर आपको दे, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इत्तेहाद, पीर पगारा का रेंजर्स को सूबे भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने जरदारी की बीमारी पर सवाल उठा दिए। उम्रे पे के बहाने से सऊदी अरब पहुंच गया, केस पे यहाँ नहीं आता। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इत्तेहाद, पीर पगारा का रेंजर्स को सूबे भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। जुल्फिकार मिर्जा ने जरदारी की बीमारी पर सवाल उठा दिए। के लिए खतरे की घंटी, तफसील होगी थोड़ी सी देर में। ताल्लुक रखने वाले पीर साहिब पगारा की क्यादत में सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद भी कायम हो गया। सिंध में जियालों के लिए खतरे की घंटी, पीर पगारा की क्यादत में इत्तेहाद की तश्कील। हुरों के रूहानी पेशवा ने खबरदार कर दिया, कहते हैं हालात खराब हैं, कुछ करना होगा। रेंजर को मजीद पावर दिए जाएं कि वो पूरे सिंध में जो क्रिमिनल हैं, जो लोफर हैं, उन पे हाथ डालें। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह ने भी सूबे के हालात पर तशवीश का इजहार किया। सब जितने भी इसमें शरफा आए हैं, जो पार्टीज को भी वास्ता रखते हैं, खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतें उन्होंने चलाई हैं, सबको सिंध इस वक्त तबाह नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर दाखला सिंध एक बार फिर साबिक दोस्त के जिक्र पर रिवायती एक्शन में नजर आए। एक कपड़ा जिस्म पे था या कोई हल्की फुल्की कच्ची छत थी, वो भी फूलन देवी ने और उसकी भाई जो चोर दुबई में छुप गया है, जिसको पता नहीं किस किस्म की बीमारी है। इजलास के शुरुका का कहना था कि सिंध पुलिस के सरबराह पर मुकदमात हैं, ऐसे आईजी से सिंध को चलाएंगे तो ज्यादती होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बन गया। पीर पगाड़ा का रेंजर्स को सूबे भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। जरदारी की बीमारी पर जुल्फकार मिर्जा ने सवाल उठा दिए। ही ताल्लुक रखने वाले पीर साहब पगाड़ा की कयादत में सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इतिहाद कायम हो गया। सिंध में जियालों के लिए खतरे की घंटी, पीर पगाड़ा की कयादत में इतिहाद की तश्कील। हुरों के रूहानी पेशवा ने खबरदार कर दिया, कहते हैं हालात खराब हैं, कुछ करना होगा। रेंजर को मजीद पावर दिए जाएं कि वो पूरे सिंध में जो क्रिमिनल हैं, जो लोफर हैं, उन पे हाथ डालें। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह ने भी सूबे के हालात पर तशवीश का इजहार किया। सब जितने भी इसमें शरफा आए हैं, जो पार्टीज को भी वास्ता रखते हैं, खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतें उन्होंने चलाई हैं, सबको सिंध इस वक्त तबाह नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर दाखला सिंध एक बार फिर साबिक दोस्त के जिक्र पर रिवायती एक्शन में नजर आए। एक कपड़ा जिस्म पे था या कोई हल्की फुल्की कच्ची छत थी, वो भी फूलन देवी ने और उसकी भाई जो चोर दुबई में छुप गया है, जिसको पता नहीं किस किस्म की बीमारी है।
इजलास के शुरुका का कहना था कि सिंध पुलिस के सरबराह पर मुकदमात हैं, ऐसे आईजी से सिंध को चलाएंगे तो ज्यादती होगी।